माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट हम आपको बता चुके थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री कितनी आ गई? 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? 2। इसमें डिग्री आ गई 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। वीडियो स्टॉप हो जाने की वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझाया गया, क्योंकि वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी, पता नहीं लगा, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूं दोबारा आपको। वाई एलसीएम आ गया यहां पे, यहां 1 होने की वजह से y ऊपर चला गया, ये y स्क्वायर आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये y सेम है तो ऊपर 3 ही है, ये 2 है, y वहां चला गया, 2y हो गया, 2y उधर हम ले गए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2, और एक वन वेरिएबल में भी है, तो हम क्या कह देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक पार्ट और करा के दिखाते हैं आपको। एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर जो पहला पार्ट दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या दे रखा है आपको, देखिए यहां पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द 2x माइनस 3। तो करेंगे कैसे, सोल्व करते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस 1, हमने इसको सोल्व किया पहले स्क्वायर को, इज इक्वल टू द 2x माइनस 3। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3। सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x प्लस में 5 इज इक्वल टू द 2x माइनस 3। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखिए यहां पे ये वहां ले जाते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x प्लस में 5 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू द 0। हमने क्या देखा, इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल के ऊपर? 2 है, तो हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यस, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या कह देंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कभी भी डायरेक्ट नहीं बता सकते, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप उसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, आपको सोल्व करके देखना होगा। उसके बाद अगर हम इसका सेकंड पार्ट बात करें, एग्जांपल नंबर 2 की सेकंड पार्ट की बात करें, देखिए यहां पे एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को इससे करेंगे, एक्स को एक्स से कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में एक्स हो गया प्लस में 8 हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। करेंगे कैसे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 8 एक्स स्क्वेयर माइनस में 4। सोल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, माइनस 4 वहां चला गया, एक्स प्लस में 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसके अंदर डिग्री देखें इस इक्वेशन की, तो डिग्री 2 तो है ही नहीं, इसमें तो डिग्री 1 है, तो ये तो लीनियर हुआ। अगर डिग्री 2 होती तो ही क्वाड्रेटिक होता, तो हम क्या कह देंगे, ये इक्वेशन के अंदर डिग्री 2 नहीं है, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, इसका आंसर आएगा नो। This is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी कह सकते हैं ये ax square plus bx plus c equal to 0 की फॉर्म में भी नहीं है। अगर ये ax square plus bx plus c equal to 0 की फॉर्म में होती तभी हम इसको quadratic कहते हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, ये quadratic equation नहीं है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। ये बार आप देख लीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया, अगर कोई भी चीज अगर ऐसी आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज पूछे आप। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आपको। देखिए अगला थर्ड पार्ट जो है x इंटू में 2x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स को पहले इससे कीजिए 2x स्क्वेयर, एक्स को फिर 3 से कीजिए कितना आएगा 3x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, वहां ले जाइए 2x स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस एक्स स्क्वेयर तो माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 0। तो आप देखें दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितने वेरिएबल के ऊपर 2, और मैक्सिमम पावर 2 है तो हम क्या कह देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें जो गिवन इक्वेशन हमने इसको सिंप्लीफाई करके जो निकाला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, पावर 2 अगर मान लीजिए गिवन इक्वेशन में आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्यूब दे रखे है एक्स क्यूब माइनस में 4। फार्मूला खोलते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ए प्लस बी। सॉल्व करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इसको सॉल्व कर रहे हैं ए प्लस बी, यहां पर तो रखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस में 6x एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 4। तो माय डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब प्लस 8, 6x को x से कीजिए कितना आएगा 6x स्क्वेयर प्लस में कितना आ गया 12x एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं ये माइनस 4 वहां चला जाएगा 6x स्क्वेयर प्लस 12x ये तो सेम लिख दिया प्लस 8 वहां जाके माइनस 4 प्लस 8 कितना हो गया प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर आप 6 कॉमन निकालना चाहे तो 6 कॉमन निकाल भी सकते हैं, और नहीं भी निकालना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहां पे छोड़ सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आप कह देना यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप 6 कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू द 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आप कह देना यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी है, या फिर इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज 4.1 को ट्राई करेंगे, देख लीजिए एक बार, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप देख सकते हैं। बस आपको इतनी बात याद रखनी है मैक्सिमम पावर 2 वाली टर्म क्वाड्रेटिक में होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 वाली टर्म जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है वो टर्म आपके अंदर हो आपकी इक्वेशन में होनी चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों का, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट ऑल पार्ट्स आपको करके देखने होंगे, और जो एग्जाम्पल आपको अभी भी करवाया एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी देखना होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन का बेस बना लेते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये चीज समझिए, कोई भी रेक्टेंगल अगर हमें गिवन होता है उस रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। एरिया की अगर हम बात करें, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ।
अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, आप लोगों के पास एक मिनट होगी। पेज नंबर 73 पे देखिएगा, पेज नंबर 73 पे अगर आप देखिए, इसमें कह रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 528 है, जो लेंथ है वो एक मीटर ज्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ के अंदर सिर्फ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है। और वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसमें आंसर नहीं निकालना है आपको। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी है, आंसर नहीं निकालना है। देखिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन के अंदर एरिया दे रखा है 528। जो हिंट की बात करें और हमें यहां पर क्या कह रखा है, जो लेंथ है वो क्या कहता है, वन मीटर ज्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, वन मीटर मतलब वन मीटर ज्यादा ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, हमें ये कह रखा है, ये हिंट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, जो राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होता है, राइट हैंड साइड में जैसे ब्रेथ है यहां पे, तो ब्रेथ को एक्स मान लीजिए, जैसी ब्रेथ को एक्स मानोगे तो लेंथ आ जाएगी 2x+1। मैं आपको करके दिखाता हूं, हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट इज 6 meter। अगर ब्रेथ x है तो यहां पर x डाल दीजिए तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देयर फोर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2x+1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया हमें दे रखा है 528, एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू में ब्रेथ इक्वल टू 528। लेंथ कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, 2x+1, और ब्रेथ कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, x। तो 2x, x को पहले 2x से कीजिए, कितना आएगा 2x² + x = 528। सॉल्व कर दीजिए, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू द 0। हमें इसको आगे सोल्व नहीं करना क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बोला है आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रेक्टेंगल गिवन है, एरिया गिवन है, एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन के अंदर जो भी चीज आपकी राइट हैंड साइड में होती है उसको लेट कर लीजिए, उसको लेट कर लीजिए। हमने इसको लेट कर लिया, राइट हैंड साइड में ब्रेथ थी तो ब्रेथ को एक्स मान लिया, तो लेंथ आ जाएगी 2x+1। एरिया हमें गिवन था, हमने फार्मूला लगाया, रिलेशन निकाल दिया। इसको आगे सोल्व नहीं करना है, इसको यही छोड़ देना है। ये क्या आ गई आप लोगों की, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी ऐसा बच्चा अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काम होगा। आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट पढ़ना होगा। होमवर्क के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट रीड करना होगा और एग्जांपल नंबर 1। क्यों, क्योंकि ये जब मैं करवाऊंगा तो आपके रीड हो जाने की वजह से आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये होमवर्क रीड करना होगा, करना तो सिर्फ ये ही है और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, लेकिन ये एग्जांपल आपको, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाए जाएंगे।
थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।